खबर है। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 129 लोगों की मौत। नेपाल पुलिस ने ये जानकारी दी है। जाजर कोर्ट में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली सीआर समेत देश के कई हिस्सों में देर रात भूकंप के तेज झटकों से धरती कांप गई। दोस्तों, बच्चे बच्चे को पता है कि भारत एशिया का एक बड़ा हिस्सा है और एशिया के सबसे बड़े और मशहूर देशों में आता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और भी ऐसे कई देशों से मिलकर बना ये एशिया अब भारत से अलग हो रहा है, क्योंकि भारत की धरती टूटकर अलग जा रही है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की अविश्वसनीय घटना होना भारत के लिए कोई शुभ संकेत है, या फिर ये घटना भविष्य में होने वाली अनहोनी की तरफ इशारा करती है। हमें मालूम है ये सारी बातें आपको सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही होंगी और समझ नहीं आ रही होंगी, पर दोस्तों जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, और अगर हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 7 अलग अलग महाद्वीपों से मिलकर बनी है, पर शायद ही किसी को ये बात पता होगी कि आज के तकरीबन 27 करोड़ साल पहले पूरी पृथ्वी की धरती का केवल एक ही टुकड़ा मौजूद था। यानी कि अब जितने भी महाद्वीप देख रहे हैं ये आज से करोड़ों साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और पूरी पृथ्वी की जितनी भी जमीन थी वो एक ही तरफ थी। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ऐसा था तो ये जो 7 अलग अलग महाद्वीप आज दिखते हैं ये कहाँ से आए? तो दोस्तों, हमारी धरती के बिल्कुल निचले हिस्से में हर वक्त हलचल होती रहती है, क्योंकि धरती का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी मौजूद है, और वहाँ मौजूद है गर्म लावा और मैग्मा। ये ऐसी चीजें हैं जो हर वक्त मूव करती रहती हैं, और ये तो आप जानते ही हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से ही कहीं पर ज्वालामुखी फटते हैं तो कहीं पर भूकंप का कहर देखने को मिलता है। हालांकि ये सारी चीजें हमने बहुत छोटे पैमाने पर देखी हैं, लेकिन आज से 27 करोड़ साल पहले ऐसा धरती में जब हलचल हुई थी तो धरती दो टुकड़ों में बट गई थी। लेकिन ऐसा होने में एक दो दिन नहीं बल्कि लाखों साल लग गए। धरती के दो बड़े टुकड़ों में एक का नाम लोरेशिया और दूसरे का नाम गोंडवाना था। ऐसे में जब धरती दो टुकड़ों में बटी तो इसके दोनों ही हिस्से अलग अलग जगह पर पाए, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन देखने को मिला, और मौसम में होने वाली इसी परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव अस्तित्व में आए। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि धरती पर लगातार हलचल होती रही जिसकी वजह से लोरेशिया से टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ गोंडवाना का अलग अलग टुकड़ों में बट जाना ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एंटार्क्टिका और यहाँ तक कि भारत को अस्तित्व में लाया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जब लोरेशिया से टूटकर एशिया का निर्माण हुआ था तो उसमें भारत का हिस्सा था ही नहीं। लेकिन पृथ्वी पर एक चीज ज्यादा लंबे समय तक कहाँ चलती है, इसीलिए जब दोबारा से धरती के अंदर हलचल हुई तो काफी कुछ बदलाव हुए, क्योंकि इस हलचल के कारण हमारी पृथ्वी हर साल 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ने लगी। अब 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार आपको सुनने में भले ही कम लग रही हो, लेकिन दोस्तों किसी महाद्वीप के लिए इस रफ्तार से आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तभी तो कई सालों से लगातार सफर के बाद आखिरकार हमारा भारत अफ्रीका से टूटकर एशिया में जा टकराया। अब 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से आने की वजह से धरती का ये विशालकाय टुकड़ा जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, जैसे ही एशिया से टकराया वैसे ही पूरी की पूरी पृथ्वी का जलवायु बदल गया, और आज हम जो हिमालय पर्वत देख रहे हैं वो भी इसी टकराव का ही नतीजा है। जैसे ही भारत का ये बड़ा सा हिस्सा एशिया से जाकर मिलता है, इसमें होने वाले बदलाव के कारण हिमालय पर्वत बन गया। इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि हमारी धरती कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी होती है, लेकिन जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है तो उस वक्त जो प्लेट्स भारी होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, और जो प्लेट्स हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। ठीक ऐसा ही तब भी हुआ जब भारत और एशिया की धरती आपस में टकराई, जहाँ हल्की होने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स उस खतरनाक टकराव की वजह से ऊपर की ओर उठनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे वो प्लेट्स इतनी अधिक बढ़ गई कि आज वो हिमालय के रूप में हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बन गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब शोधकर्ताओं को ये पता चलता है कि आज भी हमारी धरती 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से एशिया की तरफ बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, यकीन मानिए, भारत की धरती में होने वाले बदलाव की रफ्तार इतनी कम है कि उसे आँखों से देख पाना तो दूर की बात है, महसूस तक भी नहीं किया जा सकता। पर हाँ, दो धरती के टकराव की वजह से जो हिमालय पर्वत बना उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी,
इसकी वजह से हिंद महासागर से उठने वाले नम हवाओं को इसने सोख लिया, जिसके कारण हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण हुआ और जब बादल ऊंचाई में जाकर पहाड़ों से टकराए तो मॉनसून की शुरुआत हुई। वही करोड़ों साल पहले शुरू हुआ मॉनसून आज भी भारत में हर साल आता रहता है। जी हाँ, जो मॉनसून का सीजन हम देखते हैं वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास में टकराने और वातावरण में होने वाले बदलावों का नतीजा है, जो आज नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले हुआ था। और यकीन मानिए, अगर ये घटना ना हुई होती तो हमारे भारत के हालात भी अफ्रीका जैसे ही होते। और दोस्तों, हम ये बात भी पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये जो हिमालय पर्वत बना है, इसी के कारण आज भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या को पीने का पानी मिलता है। और इसी हिमालय की वजह से आज भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बहती हैं। यहां पर हम जो ये आराम से खेती कर पाते हैं, ये भी हिमालय की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और मौसम में बदलते मिजाज भी हमें इसी हिमालय पर्वत की वजह से देखने को ही मिलते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां करोड़ों साल ऐसे ही बहती रहती हैं, जिसके कारण बंगाल डेल्टा का निर्माण हुआ। पर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हैरतअंगेज तरीके से हमारी धरती के नीचे आज भी हलचल हो रही है, और जानकारों की माने तो धरती के नीचे होने वाली हलचल इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से भारत एक बार फिर से अपनी स्थिति बदल रहा है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि भविष्य में हमारा भारत टूटकर एशिया से अलग हो सकता है, और कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारी धरती आज भी लगातार एशिया की तरफ बढ़ती चली जा रही है। पर इसमें से क्या सच है और क्या झूठ, ये तो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। पर हाँ, ये बात पूरी तरीके से सच है कि हमारी धरती के नीचे आज भी बहुत तेज रफ्तार से हलचल हो रही है, और खास तौर पर हमारे भारत में। यही वजह है कि साल 2015 में नेपाल में दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप आया था, जो कि इतना खतरनाक था कि नेपाल के काठमांडू में इसका सेंटर होने के बावजूद भी पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए। भूकंप का सेंटर सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद बिहार और उत्तर प्रदेश के कई सारे इमारतें ढह गई, और भूकंप के झटके दिल्ली से लेकर देश के निचले हिस्सों तक भी महसूस किए गए। अब वो कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आधा काठमांडू तबाह हो गया था। दोस्तों, जब ये भूकंप आता है तो वो धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल की वजह से ही आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत की धरती और एशिया के बाकी इलाकों की धरती जिस जगह पर टकराई, वहां आज भी बहुत तेजी से हलचल हो रही है। और ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भविष्य में साल 2015 से भी ज्यादा खतरनाक भूकंप के झटके देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस भी वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को बताया है कि आज के करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये बेमतलब की बात है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही इसका कोई प्रमाण है। अब प्रमाण मांगा गया है तो देना भी पड़ेगा, और इसी के कारण एक वैज्ञानिक ने इस बात को साबित करने के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसके बाद ये बात साबित हो गई कि इस वक्त हमें पूरी धरती पर जितने भी महाद्वीप दिख रहे हैं वो सभी वास्तव में एक ही धरती हुआ करते थे। असल में दोस्तों, अल्फ्रेड नाम के इस वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर मौजूद हर एक द्वीप और महाद्वीप के हिस्सों को मैप में आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते ये सब कैसे बिल्कुल एक पजल की तरह आपस में जुड़ते चले गए, जिसके बाद से ये बात तो साबित हो गई कि अगर पृथ्वी पर मौजूद हर एक द्वीप और महाद्वीप को आपस में जोड़ा जाए तो ये बड़ा आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं और एक बड़े से धरती के टुकड़े में बदल जाते हैं। वहीं एक वैज्ञानिक इस बात पर भी पुष्टि करते हैं कि भारत का अफ्रीका में मिला होना कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए अध्ययन में इस बात का पता चला है कि जो भी पेड़ पौधे और वनस्पति अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते हैं, उन सभी के अवशेष आज भी भारत की धरती पर देखने को मिल जाएंगे। जो भी जीव जंतु अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, उनके अवशेष आपको अभी भी भारत में देखने को मिल जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया की तरफ आया, तब भारत की जलवायु बड़ी तेजी से बदल गई। ऐसे में जो जीव जंतु और वनस्पति अफ्रीका के वातावरण में आसानी से रहते थे, उनके लिए भारत के वातावरण में रहना संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि उन सभी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन उनके जो अवशेष हैं तो आज भी भारत की धरती पर देखने को मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि भारत की धरती जब अफ्रीका से टूटकर अलग हुई तो उस वक्त हुए जलवायु में परिवर्तन के कारण ही ब्लू व्हेल जैसे विशालकाय मछलियां अस्तित्व में आई। यानी कि अगर कम शब्दों में कहा जाए तो भारत का अफ्रीका से टूटकर एशिया में मिलना हम भारतीयों के लिए किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये प्राकृतिक घटना ना हुई होती तो हम सभी के हालात पूरी तरह से अलग होते, और ये परिवर्तन क्या पता आने वाले समय में कौन सी नई कहानी लेकर
लेकर आने वाला है, क्योंकि बदलाव तो आज भी देखने को मिल ही रहा है। जो किस हद तक जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, पर फिलहाल हम एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे या नहीं। अरे भाई, हमारे अंदाजे से वीडियो अच्छा था तो आप इसे एक लाइक जरूर कर ही देंगे। और हाँ, बस साथ में ही हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब भी कर देना। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना कि आपका इन सब चीजों के बारे में क्या कहना है। जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।